वेलकम टू सक्सेस विस्टा क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सी टेट में आखिर प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस बार के पेपर का लेवल जो था एनसीईआरटी से क्वेश्चंस होने की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट लेवल था। कई लोगों को तो उसकी टर्मिनोलॉजी ही समझ नहीं आ रही थी, तो यही प्रॉब्लम को देखते हुए दोस्तों हम आज वीडियो लेकर आए हुए हैं कि आखिर सी टेट क्वेश्चंस कहां से पूछ रहा है। यहां दोस्तों हम बिल्कुल प्रूफ के साथ लेकर आए हुए हैं कि सी टेट बिल्कुल हूबहू कॉपी पेस्ट कर रहा है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो आइए हम यहां पर आपको क्वेश्चंस और एनसीईआरटी का हूबहू वन वन वर्ड आपको मैच करता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं, ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भाजक के लिए सही नहीं है, ये स्टेटमेंट था। और आप इसमें पैराग्राफ पढ़िए, ये एनसीईआरटी का हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है, गांव में कौन रहते थे, इस हेडिंग के साथ ये पैराग्राफ है। आप इसके जो चार ऑप्शन फ्रेम किए गए हैं बिल्कुल ये पैराग्राफ ही उठा के यहाँ पे रख दिया गया है। इसका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट था, ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहां से एक ग्राम भाजक का शुरुआत हुआ है। ये देश के उत्तरी हिस्से में ग्राम प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, जो ग्राम प्रधान होता था वही ग्राम भोजक कहलाता था। एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे, ऑप्शन देखिए, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, बिल्कुल लाइन यहां पर कॉपी पेस्ट कर दी गई है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल मिल ही रहा है, यानी कि ये पद आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। ये देखिए बिल्कुल लाइन, तीसरा ऑप्शन यही दिया गया था, इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, बिल्कुल थर्ड लाइन देखिए यही है। और लास्ट है, प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे, ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ये पहले ऑप्शन में देखिए, ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, जबकि यहाँ देखिए लिखा है कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट था, उसमें गलत पूछा था। और ये देखिए, राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे, ये न्यायाधीश का भी काम करते थे, तो इसमें देखिए गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे, ग्राम भोजक को ही। तो बिल्कुल ये देखिए पैराग्राफ, अगर आप यहां से लेके यहां तक पैराग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन के साथ साथ ग्राम भोजक और ऑप्शन भी उसने यहीं से फ्रेम किए हैं हूबहू। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन ये अगला था, 35 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था, मुगल राजस्व व्यवस्था में जिसमें हर फसल के लिए राजस्व की दर की अलग सूची बनाई गई उसे क्या कहते थे, जिसमें आपसे ये राजस्व व्यवस्था का नाम पूछा गया जिसमें हर फसल की अलग सूची बनाई गई थी। अब इसका ऑप्शन तीसरा करेक्ट था, जब्त। अब आप देखिए ये क्या, यहाँ पे एनसीईआरटी का हमने लगाया हुआ है प्रिंट, अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल यही ये जब्त व्यवस्था है। यहां पर देखिए यहां पे है, प्रत्येक सूबे को प्रांत में राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर की अलग सूची बनाई गई, राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को ही जब्त कहते हैं, जिसमें हर फसल के लिए अलग अलग सूची बनाई गई। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल हूबहू ये एनसीईआरटी का जब्त और जमींदार नामक हेडिंग से ये क्वेश्चन बिल्कुल उठा के रख दिया गया था। तो आपने देखा बिल्कुल जब्त वाला क्वेश्चन भी हूबहू रख दिया गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी, ये देखिए, और इधर एनसीईआरटी का हमने कट लगाया हुआ है, भूतपूर्व रियासतें बिल्कुल कट पेस्ट हुआ ये ऑप्शन। इसमें आपसे पूछा गया था करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये देखिए यहां पर जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जोड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गईं, परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया, ये जो ऑप्शन दिया है इसके बाद ये जो पैराग्राफ में लाइन है यही उठा के इस ऑप्शन में रखा गया है। देखिए 1947-48 से 31 अक्टूबर 1956 की काल अवधि के दौरान इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया,
और बिल्कुल यही यहाँ पे देखिए, और यही देखिए यहाँ पर 1947, 48 और 1956 के बीच इन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिल गई, इन्हीं को भूतपूर्व रियासत कहा गया। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल एनसीईआरटी से कट पेस्ट हो रहा है, बिना किसी वर्ड्स को भी चेंज नहीं किया जा रहा है, एग्जैक्ट वर्ड भी कॉपी पेस्ट कर दिए जा रहे हैं। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, ये भी कट पेस्ट हुआ है एनसीईआरटी से। अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? इसमें देखिए सिसोदिया राजपूतों को दिया था। ऑप्शन देखिए यहाँ पे कहाँ से फ्रेम हुआ ये क्वेश्चन उसको दिखाते हैं। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें जागीरें वतन जागीर के रूप में वापिस कर दी गईं। देख रहे हैं आप मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध क्या रहे, इस वाले हेडिंग में आपको ये बिल्कुल क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब आइए एक और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे ये देखेंगे आप ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था, के संपादक कौन थे? आपको पता है ये इतिहास में भी, मॉडर्न हिस्ट्री आप अगर देखेंगे एनसीईआरटी की, उसमें ये क्वेश्चन कट पेस्ट हुआ था, बाल गंगाधर तिलक। आप देखेंगे दोस्तों ये चट्टाने और चट्टानों के प्रकार, ये क्वेश्चन बिल्कुल कट पेस्ट है। आप अगर एनसीईआरटी की किताब देखेंगे, आपको एनसीईआरटी की किताब में भी बिल्कुल ये क्वेश्चन ही दिया हुआ है, वही कट पेस्ट किया गया है। आग्नेय शैल द्रवित मैग्मा होता है, अवसादी शैलें हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। बिल्कुल अवसादी शैल की परिभाषा ही ये दी गई है एनसीईआरटी के अंदर, वही इन्होंने मैचिंग में आपको दे दिया। कायांतरित शैलें उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हुई जो शैलें होती हैं, इन्हीं को कायांतरित शैलें कहते हैं। यही बिल्कुल एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चंस कट पेस्ट हुए हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए कि सी टेट के अंदर क्वेश्चंस कहां से फ्रेम हो रहे हैं।